नमस्कार, जनप्रवाद न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खास खबर। समाजवादी पार्टी हार से सबक लेकर अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। यही वजह है कि जनता से जुड़े मुद्दों को सड़क से लेकर विधानसभा में भी जोर शोर से उठाने का दृढ़ निश्चय किया गया है। अखिलेश यादव इसी के साथ ही प्रदेश कार्यकारिणी का भी नए सिरे से गठन करेंगे। आपको बता दें कि अखिलेश यादव सपा के चारों फ्रंटल संगठन समाजवादी छात्र सभा, समाजवादी उज्जैन सभा, मुलायम सिंह युद्ध ब्रिगेड और लोहिया वाहिनी को भंग कर चुके हैं। ऐसी चर्चाएं हैं कि इन संगठनों की सुस्ती की वजह से ही सपा लोकसभा चुनाव में बेहतर नहीं कर सकी है। फिलहाल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव इन दिनों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर सीटों पर हार के कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। लड़ाकू विमान राफेल का एक स्टेच्यू एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ के सरकारी आवास के बाहर रखा गया है, जिसका मुंह सीधा 24 अकबर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय की तरफ है। धनोआ के बंगले के बाहर सुखोई SU-30 मॉडल को हटाकर राफेल का स्टेच्यू लगाया गया है। वायुसेना प्रमुख का सरकारी आवास 23 अकबर रोड पर स्थित है। इसके ठीक सामने कांग्रेस का मुख्यालय है। गौरतलब है कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के दौरान राफेल विमान को चुनावी मुद्दा बनाया था। इसको लेकर मोदी सरकार पर जमकर हमला किया था। लोकसभा चुनाव से पहले और चुनाव के वक्त तक राफेल कांग्रेस का मुख्य मुद्दा था। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को लेकर एक बड़े राजनीतिक विवाद में आ गई थी, जिसे विपक्ष ने एक मुद्दा बनाया। खासतौर से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सौदे में अपने प्रभाव का उपयोग करने का आरोप लगाया। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड के कई विधायकों के सांसद बन जाने के बाद खाली हुए मंत्री पद भरने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी जेडीयू के 8 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाकर मंत्रिमंडल में शामिल किया है। इस बार भाजपा के विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया है। नए मंत्रियों में नरेंद्र नारायण यादव, श्याम रजक, अशोक चौधरी, बीमा भारती, संजय झा, राम सेवक सिंह, नीरज कुमार और लक्ष्मेश्वर राय को बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन ने शपथ दिलाई है। केंद्रीय कैबिनेट के गठन के बाद बिहार में नीतीश सरकार का कैबिनेट विस्तार काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार में जेडीयू को कोई मंत्री पद नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार जेडीयू के 3 सांसदों को केंद्र में मंत्री बनवाना चाहते थे, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। शपथ ग्रहण से ऐन वक्त पहले जेडीयू ने मोदी सरकार को बाहर से समर्थन देने का फैसला किया। उत्तर भारत में गर्मी का कहर जारी है। अधिकतर स्थानों पर पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर में मई के महीने का 75 साल का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पारा 49.6 डिग्री सेल्सियस को छू गया, जबकि चूरू में भी 48.5 डिग्री तापमान रहा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी दिल्ली में भी पारा 7 साल में पहली बार मई में 45 डिग्री का आंकड़ा पार कर गया। फरीदाबाद में दिन का तापमान 46 और गुरुग्राम में 45.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने दिल्ली वासियों के लिए रेड वार्निंग जारी की है। ये तब जारी की जाती है जब मौसम सबसे खराब स्तर पर रहने की संभावना हो। दिल्ली कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने की अपील की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार 12 तुगलक लेन नई दिल्ली पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आवास पर प्रदर्शन किया। सुनील कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से इस्तीफा वापस लेने के लिए नारे लगाए। इस मौके पर कांग्रेस जनों की एक ही आवाज गूंज रही थी कि राहुल गांधी इस्तीफा वापस लो, वापस लो। फिलहाल देखना होगा कि राहुल गांधी इस्तीफा वापस लेते हैं या नहीं। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद पश्चिम बंगाल में TMC भाजपा के बीच संग्राम और तेज हो गया है। चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाली तृणमूल कांग्रेस के जख्मों पर बीजेपी सांसद नमक छिड़कने जा रहे हैं। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि हमने मुख्यमंत्री के आवास पर 10 लाख पोस्टकार्ड भेजने का निर्णय लिया है, जिन पर जय श्री राम लिखा होगा। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के समूह पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद ये फैसला किया है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के सामने कुछ लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए थे, जहां तृणमूल कांग्रेस के नेता बैठक कर रहे थे। इसके बाद ममता सरकार के इशारे पर पुलिस ने लाठी चार्ज की थी। यूपी सरकार ने लोकसभा आयोग के दागियों पर ऐतिहासिक कार्रवाई की है। गड़बड़ी पकड़ने के लिए सरकार ने STF को लगा दिया है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। पार्टी के प्रवेश प्रवक्ता सलभ मणि त्रिपाठी ने कहा कि परीक्षा में धांधली की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
सख्त हो गए हैं। उनके आदेश पर एसटीएफ सख्त कार्रवाई करने जा रही है। लोक सेवा आयोग के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने खुद पहल कराकर इतनी कड़ी कार्रवाई की है। खास बात यह है कि सरकार ने पूरी कार्रवाई अपनी सूचनाओं के आधार पर बेहद गोपनीयता के साथ कराई, जिसका परिणाम ये रहा कि पिछली सरकारों के वक्त से चले आ रहे भ्रष्टाचारियों के गिरोह का खुलासा हो सका। लखीमपुर खीरी जिले की कोतवाली पसगवां परिसर में ईद त्योहार को लेकर पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम स्वाति शुक्ला ने की। एसडीएम स्वाति शुक्ला ने कहा कि ईद का त्योहार खुशियां लेकर आता है, सभी लोग सौहार्द व भाईचारे के साथ ईद का त्योहार मनाएं। बैठक में एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि ईद के त्योहार पर बिजली कटौती बिल्कुल नहीं की जाएगी। इसके साथ ही साफ सफाई की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, पानी के टैंकर की व्यवस्था भी की जाएगी। एसडीएम ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि छुट्टा जानवरों पर विशेष ध्यान रखा जाए। इस दौरान कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पसगवां शैलेंद्र सिंह ने कहा, जहां पर ईद की नमाज अता की जाएगी वहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी रहेगी। जिले में शांति व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने निगाहें चौकन्नी कर ली हैं। ईद को देखते हुए मईल थाना परिसर में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ व्यक्तियों की एक सभा प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें सीओ बरहज भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि सीओ निष्ठा उपाध्याय ने सभी गांव के प्रधानों से मुलाकात कर समस्याएं सुनी। उन्होंने नसीहत देते हुए शांति से त्योहार मनाने की पहल की है। बिजनौर में जिले की सैकड़ों संविदा कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस का घेराव किया। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने सीएमओ ऑफिस पर धरना दिया। महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि उनका वेतन नहीं दिया जाता है। महिला संविदा कर्मचारियों को अधिकारी परेशान करते हैं। कर्मचारियों ने अधिकारियों पर ड्यूटी के अलावा अन्य काम करवाने का भी आरोप लगाया। महिला कर्मचारियों ने एकजुट होने का दावा करते हुए अपनी कई मांगों को लेकर सीएमओ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मात्र शिशु परिवार कल्याण की जिला अध्यक्ष का कहना है कि 8 मांगों को लेकर हम सीएमओ ऑफिस पर धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर अपनी बहनों की समस्याओं का निराकरण सीएमओ ने नहीं किया तो आगे भी धरना जारी रहेगा। मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण की जिला अध्यक्ष आज सीएमओ ऑफिस में अपनी बहनों की 7-8 जो है पर समस्याओं के लिए आई हूँ और धरना प्रदर्शन कर रही हूँ। फिर एक दिवसीय है अभी, तो वो आने वाले समय में हमारी समस्याएं हैं। यदि सीएमओ का हमने नहीं मांगी है तो हम कोई बताते नहीं है, कुछ नहीं। जो डब्ल्यू एच ए वाले इनसे बोल के आके हमारा बंधन बांध रहे। दूसरी समस्या है कि हम पे जो है ओवरलोड इतना है कि सारे स्वास्थ्य विभाग के सारे कर्मचारियों का काम हमसे कर रहे हैं। गुजरात के दाहोद शहर के ओवरब्रिज के पास गोदी रोड की तरफ जा रही गैस पाइपलाइन लीक हो गई। इससे लोगों में भय और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सुबह के समय अति व्यस्त और भीड़ भाड़ वाले इलाके गोदी रोड की तरफ गुजरात गैस की पाइपलाइन से अचानक गैस लीक होने लगी। सूचना मिलते ही आसपास का पूरा इलाका भयभीत हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों के निर्देश पर गैस की सप्लाई को बंद कर दिया गया, साथ ही घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम को भी बुला लिया गया। गैस अधिकारियों ने तत्काल लीकेज पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। इससे बड़ा हादसा टल गया। अपने बड़बोले बयान को लेकर सुर्खियों में रहने वाले रामपुर से सपा के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार मामला रामपुर की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का है, जिसमें आजम खान चांसलर हैं। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के सरकारी संपत्ति का अधिग्रहण किया है। जमीन को मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी में मिला लिया है, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके तहत नायब तहसीलदार ने सरकारी काम में बाधा और सार्वजनिक भूमि को अधिग्रहण करने पर सांसद आजम खान, जौहर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार आर ए कुरैसी, जौहर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा अधिकारी आले हसन खान तथा अन्य कुछ लोगों के खिलाफ अजीम नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार के द्वारा एक एप्लीकेशन अजीम नगर थाने में दी गई, जिसके तहत उन्होंने बताया कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 और 4 और साथ ही साथ धारा 332 के तहत तो मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें जो नदी की भूमि है उस पर कब्जा करने का उनके ऊपर आरोप है। इस संदर्भ में पुलिस ने FIR दर्ज करी है। जी, जो नायब तहसीलदार साहब ने एप्लीकेशन दी उसके तहत एक तो सरकारी कार्य में बाधा और साथ ही साथ जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर अधिग्रहण बिना किसी अनुमति के किया गया है, जो गलत है। अलीगढ़ में विश्व हिंदू महासंघ के नाम पर जमकर बवाल हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू महासंघ के कथित प्रदेश अध्यक्ष सुमित कटियार के साथ जमकर धक्का मुक्की हुई। कटियार अलीगढ़ में जिला अध्यक्ष पद पर थे और यहां नियुक्ति कार्यक्रम करने आए थे। हंगामा तब शुरू हो गया जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि सुमित कटियार को
संघ से निष्कासित कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने फर्जी तरीके से संघ के नाम पर कार्यक्रम कराने का आरोप लगाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार कर लिया। छात्र नेता आदित्य पंडित ने सुमित कटियार को फर्जी बताते हुए आरोप लगाया है कि संगठन की सहयोग राशि के नाम पर 21,000 रुपए की वसूली की जा रही है। आदित्य पंडित ने बताया कि सुमित कटियार को संगठन से एक वर्ष पूर्व निष्कासित किया जा चुका है, उसका संगठन से कोई संबंध नहीं है। हिंदुत्व की आड़ में किसी भी व्यक्ति का कथित तौर पर किया जाने वाला व्यापार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंदुत्व व्यवसाय का माध्यम नहीं है, वो एक विचारधारा है जिसे मिटने नहीं देंगे, फिर चाहे इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। प्रदेश अध्यक्ष बताकर सुमित कटियार यहाँ अलीगढ़ आया था, हमारे कार्यकर्ताओं को एकजुट कर इसने लॉलीपॉप दिया कि आपको जिलाध्यक्ष मनोनीत करेंगे, जिला महामंत्री मनोनीत करेंगे। और वास्तविकता में जब इसकी सच्चाई हमने करनी चाहिए, जो विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष भिखारी दास प्रजापति है उनसे संपर्क किया तो उन्होंने कहा इसे पूर्व में निष्कासित कर दिया गया। पूर्व में यह विश्व हिंदू महासंघ में प्रदेश उपाध्यक्ष था, परंतु उनके अनुसार अनुशासनहीन तक करने के कारण इसको निष्कासित किया गया था। यहाँ जिलाध्यक्ष की घोषणा होनी, हमें हमारे साथी ने बताया कि वहाँ अलीगढ़ में है प्रोग्राम, आप चलिए, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी आ रहे हैं, उनके चलिए। तो आके यहाँ मालूम चला दूसरे पक्ष ने, जो भिखारी गुट का है, जो NGT के मेंबर बना दिए गए और सुमित कटियार जी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया था पूरे प्रदेश की टीम, उसके उसमें यहाँ बवाल हुआ, गाड़ी भी तोड़ दी गई है और सुमित जी को पुलिस ले गई है, वहाँ जाके जो फैसला होगा वो देखा जाएगा। बिजनौर जिले के कई गांव में तेंदुआ के आतंक के बाद वन विभाग की टीम ने ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। जिन लोगों को तेंदुए ने हमला कर घायल कर दिया था उनसे वन अधिकारियों ने बातचीत की। वन अधिकारियों ने घायलों से पूरी जानकारी ली। मिजारलीपुर, जमापुर, मुकरपुरी, उमरपुर, शरीफपुर सहित कई गांव का दौरा कर वन विभाग के अधिकारियों ने टीम को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वन अधिकारी ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी गांव में तेंदुआ देखा जा रहा है, इसी क्रम में सभी क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया है, लेकिन तेंदुआ नहीं मिला। अब हम यहां पर कैमरा लगाएंगे जिससे कि तेंदुए की लोकेशन मिल सके। तेंदुआ कहां से आता है और कहां को जाता है इसकी जानकारी एकत्रित कर हम यहां पर पिंजरा लगाएंगे ताकि तेंदुए को पकड़ा जा सके और क्षेत्र के लोगों को राहत दी जा सके। अभी मैं आज मौके पर आया था, कल मुझे सूचना मिली थी शाम के टाइम, मैं मौके पर गया हूँ, क्षेत्र में देखा, पक्षी तो मुझे कहीं नहीं मिल पाया, लेकिन ऐसा है कि गांव वालों की शिकायत के पता चल रहा है कि यहाँ गुलदार है, इसके लिए हम कैमरा ट्रैप लगाएंगे, उससे पता चल जाएगा लोकेशन का उसका मूवमेंट कि यहाँ पे गुलदार कहाँ किधर से आता है किधर से जाता है। खास खबर में बस इतना ही, देखते रहिए जनप्रवाद, नमस्कार।